हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम यहां पढ़ने वाले हैं रिजिंग, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होगा बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर। आज हम यहां पे सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस होते हैं और किन किन चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, किन किन चैप्टर से कितने तक के मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, कितने तक के मार्क्स पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग बहुत इजी चैप्टर होता है। इसमें हम पढ़ेंगे ए से जेड तक की। सबसे पहले कोड वैल्यू मैं आपको याद करवाऊंगी, नंबर वैल्यू, जैसे कि ए की रहती है 1 क्योंकि ये सबसे पहले आता है, बी की रहती है 2 क्योंकि वो ए के बाद आता है, उसके बाद रहेगा सी की 3, डी की 4, ई की 5, ये सब हम सबसे पहले याद करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स रहेंगे, अल्फ़ा कोडिंग होती है जिसमें रहता है एक लेटर्स का पेयर रहेगा, उसे कोड दिया रहेगा, वो हमें पहचानना होगा। उसके बाद नंबर्स की कोडिंग रहती है, नंबर की कोडिंग भी वैसी रहती है, कुछ कोड करके दिया रहेगा, वो हमें क्रैक करना होगा। अगला रहती पूछी जाती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अल्फ़ा और नंबर जो रहता है वो मोस्टली 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है, बट चाइनीज़ कोडिंग हमेशा 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। दूसरा हमारा रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ एग्ज़ाम में पहले पूछी जाती थी 5 मार्क्स की, बट आजकल ऐसा पैटर्न चल रहा है, एग्ज़ाम का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आजकल एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है 3 मार्क्स की भी पूछ ली जाती है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ऐसा रहता है कि 5 वर्ड्स रहेंगे जिसमें 3 लेटर्स की पेयर रहते हैं। उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट जो वर्ड है उसका थर्ड लेटर, लास्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, उनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, उनमें कौन सा लेटर बड़ा है, कौन सा लेटर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे ही नंबर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर आता है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी चैप्टर होता है, मुझे ये बहुत ईजी लगता है क्योंकि इसमें जो रहते हैं रिश्तेदारों को सभी पहचानते हैं, सभी रिश्ते सभी जानते हैं बचपन से, तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पज़ल फॉर्म में भी पूछी जाती है, बट पज़ल फॉर्म में जब प्री में ये पूछा जाता है तो ये 2 से 3 मार्क्स तक का पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल रहती है, 2 लाइन के अंदर आपकी ये पज़ल दी हुई रहती है एग्ज़ाम में और आसानी से सॉल्व हो जाती है। चौथा हमारा आता है ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर्स रहते हैं, पहले पढ़ेंगे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस बहुत ईजी है। इसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, एक रहेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन और अगला रहेगा हमारा फेसिंग बेस्ड क्वेश्चन और शैडो बेस्ड क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शैडो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फेस, जैसे कि 2 आदमी खड़े हुए हैं तो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, वो इतना किलोमीटर चलता है कि नोट्स बस जरूर बना लीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, उस पर सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, फिर जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आप चैप्टर्स के हेडिंग डाल के आप नोट्स बना सकते हैं। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, तो आप इसकी नोट्स बना के जरूर रख लीजिएगा। चलिए, तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्क्स का ही आता है ऑर्डर रैंकिंग का, कि एक क्लास में जैसे इतने बच्चे होते हैं, उसकी एक राजू नाम का मान लो लड़का है, एक क्लास में है, वो लाइन से बैठे हुए हैं, तो अगर वो लेफ़्ट साइड से इतने नंबर पे और राइट साइड से इतने नंबर पे हैं तो टोटल कितने बच्चे होते हैं, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इसमें एक तरीका होता है, एक हाइट और वेट से रिलेटेड भी पज़ल पूछी जाती है रैंकिंग के हिसाब से, उनके ऑर्डर के हिसाब से, ये बहुत ईजी होता है। प्री में अगर पज़ल फॉर्म में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, अगर सिंपल फॉर्म में आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा। इस पर अगला चैप्टर है हमारा इनइक्वालिटी। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, सबसे ईजी चैप्टर होता है, ये भी बिल्कुल ब्लड रिलेशन की तरह ईजी होता है। सबसे पहले आता है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल। इससे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बनाने में बहुत मज़ा आता है। प्री में सिर्फ इन्हीं में से पूछा जाएगा, बट मेंस में रहता है वो पूछा जाता है हमारा कोडेड फॉर्म में पूछा जाएगा कि इनइक्वालिटी में भी इनका एक एक
ग्रेटर देन इक्वल को एट द रेट से कोड किया हुआ है, तो उससे हमें निकालना रहता है। तो ये भी इजी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये पहले ऐसा होता था कि 5 मार्क्स का मेंस में तो 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, बट प्री में ऐसा होता था कि पहले 5 मार्क्स का पूरा एक पैकेज के फॉर्म में आता था। बट आजकल कोई है ही नहीं कि किस तरीके से आ जाएगा। 1 मार्क्स का भी आ जाएगा, 2 मार्क्स का भी आ जाएगा, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, और पूरे 5 का आ सकता है। 5 से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा सिलोजिसम। सिलोजिसम एक सिलोक्स जिसे कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बोल इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैम ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और जिससे बन जाता है उसे ये बहुत इजी टॉपिक लगता है, इसके जितना इजी तो कुछ होता ही नहीं कहा जाता है। बट जिससे नहीं बनता वो उसी में घूम के ही फंस के रह जाता है। तो मैं आप लोगों को इसे बिल्कुल आसानी से बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी, ताकि आप लोग अगर मुझसे पढ़ लेंगे सिलॉक्स तो दोबारा आप लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल, पढ़ेंगे सम, पढ़ेंगे सम नॉट, पढ़ेंगे नो, पढ़ेंगे सम, सम नॉट, ऑल, नो। मोस्टली ये 4 का ही रहता है, बट आजकल ऐसा होता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब पूछा जाता है। परसेंटेज बेस्ड भी आते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटी आती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी आती है, सब कुछ आता है इसमें। तो वो हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पहले ऑल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, फिर सम का, फिर नो का, फिर नॉट का, फिर फ्यू का, ये सब कुछ एक एक करके, पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, एक एक करके हम पढ़ लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आप लोगों को, बिल्कुल समझ आएगा। आई गारंटी यू, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल समझ आएगा। अगला पढ़ते हैं हम, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में दिक्कत हो जाती है। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मशीन इनपुट। मशीन इनपुट एग्ज़ाम में मोस्टली ये मेंस में ही पूछा जाता है, प्री में नहीं आता है, प्री में बहुत कम, वैसे नहीं आता है समझ लो। मशीन इनपुट क्या होता है कि कुछ एक वर्ड लिखा रहेगा पूरा ऐसे सेंटेंस टाइप का, सेंटेंस फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि उसकी कोडिंग दी हुई रहती है। कुछ नंबर्स के दे देते हैं, कुछ लेटर्स के देते हैं, फिर स्टेप 2 रहता है, और ये इनपुट से भी आ सकता है, ये स्टेप 1 से भी आ सकता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अगर मेंस में ये आता है तो 5 मार्क्स का आएगा, उससे कम या ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड रहता है, अगर आपका लॉजिक इसमें पकड़ आ गया, लॉजिक अगर आप कैच कर जाते हैं तब तो 5 के 5 मार्क्स पूरे हैं। अगर लॉजिक नहीं आता तो फंस जाते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एग्ज़ाम में तो एक बार लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, 1 मिनट देना, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आगे बढ़ना, जब टाइम बचे तब वापस से आकर इस पर दिमाग जरूर लगाना। अगर क्रैक कर दिया तो एक बार में 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं क्रैक किया तो फिर छोड़ देना। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, मशीन इनपुट हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में, और बच्चे बहुत डरते भी हैं इससे। सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल दोनों लगभग सेम ही रहता है, थोड़ी बहुत अंतर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उसमें। 10वां चैप्टर रहता है हमारा पज़ल, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये पज़ल 5 मार्क्स की पूछी जाएगी, एक पज़ल, और आती कितनी है 3 से 4 पज़ल, मतलब 15 to 20 मार्क्स इससे हम गेन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मैं आप लोगों को इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊंगी, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा, इतना इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में, ऐसा लगेगा कि मैं बस यही सब सॉल्व करूं। और ये भी अगर आप लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया, आराम से पेपर निकल जाता है इससे, क्योंकि कट ऑफ जाती है कम, और इतने मार्क्स अगर हम ले आए तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप लोग इसमें फंस गए तो ज़रूर पूरा टाइम चला जाएगा, और आप लोग यही बोलोगे कि पज़ल ने हमें फंसा दिया एग्ज़ाम में, बट नहीं फंसाएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी, इवन प्री की पज़ल तो आप ऐसी रहेगी कि 2 से 3 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे एक पज़ल, बहुत ही अच्छा है। इवन मैं भी एग्ज़ाम में 35 मार्क्स के पूरे करके आती हूँ क्वेश्चंस, और मुझसे बन भी जाते हैं, मेरे मार्क्स आ भी जाते हैं 35 out of 35, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में 30+ लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी, अच्छा रहता है ये वाला, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि रो,
मतलब एक लाइन पे बच्चे रहेंगे, उसे हमें बैठाना होगा। पज़ल भी उसी फॉर्म पे रहती है। सिंगल रो हो गई ये, तो डबल रो का भी आएगा, सर्कल का भी आएगा, स्क्वायर का भी आएगा, ट्रेंगल का भी आएगा। बॉक्स रहते हैं उनको अरेंज करना पड़ता है, फ्लोर्स रहते हैं उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये रहती है और सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल, ये दोनों तो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्री में इसका लेवल थोड़ा ईजी रहता है और मेंस में इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड रहता है। तो हम दोनों तरीके के पढ़ेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट जो और पज़ल जो है वो प्री में किस तरीके से पूछे जाते हैं और मेंस में किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी हमेशा लास्ट में ही पढ़ाया जाता है। अभी लास्ट में क्यों पढ़ाया जाता है, ये होता क्या है, ये होता है इसके जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो होते हैं जो हमने अभी तक 10 चैप्टर मैंने आप लोगों से बताया उस पर बेस्ड होते हैं। उसके एक सेंटेंस पहला लिखा रहेगा, दूसरा सेंटेंस पहला लिखा रहेगा। आप लोगों को बताना होगा कि आंसर निकालने के लिए पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद दो सेंटेंस दे रहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इससे आ रहा है कि इससे आ रहा है, कि इन दोनों से आ रहा है कि इन दोनों से नहीं आ रहा है, ये सब पूछा जाएगा। या तो इससे भी आ रहा है या तो इससे भी आ रहा है, ये सब पूछा जाएगा। और ये तभी बन सकता है आप लोगों से जब आप लोगों ने इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स पढ़े हों। ये पहले प्री में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता था, ये सिलेबस था केवल मेंस का ही। बट आजकल ऐसा होता है, इसमें भी ये बन जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कभी कभी थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, भाई मेंस है ना इसलिए, तो थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है, बट आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग रहता है, लॉजिकल रीजनिंग मतलब बिल्कुल ही एक सेंटेंस के बेस पे ही रहता है, सेंटेंस के ही बेस पे रहेगा। ये एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा ऐसा पैरा रहता है ये एक। और कोई कोई से इसमें चार पांच तरीके के आते हैं, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, मैं सब बताऊँगी आप लोगों को जब हम चैप्टर डिस्कस किया करेंगे। तो कई कई जब इसमें तो ऐसा हो जाता है टॉपिक्स में कि एक पूरा पैरा रहता है, किसी भी एक सेंटेंस रहेगा उसके ये सब दिए रहेंगे स्टेटमेंट्स, उनसे हमें क्वेश्चंस को आंसर देना रहता है। और ये बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग में पूरा जो आंसर रहता है वो आपके इस पैरा में ही दिया रहता है, इस लाइन पे ही दिया रहता है। तो हमें ये बहुत आसान, बहुत अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना होगा। ये टॉपिक हमेशा मेंस में ही पूछा जाता है, अभी तक प्री में एक बार भी नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा। इवन अभी जो IBPS क्लर्क 2020 हुआ था उस पर लॉजिकल रीजनिंग का एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि पढ़ेंगे ज़रूर हम, बन गया तो लगाते हुए चलेंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं यार, दूसरे क्वेश्चन तो है ना सॉल्व करने के लिए। एक दो छोड़ के भी हम अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो बिल्कुल सही है, एक के पीछे लगना नहीं है हमें। इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, चार पाँच तरीके से पूछे जाएंगे। कोर्स ऑफ एक्शन से मान लो दो क्वेश्चन आ गए, कॉज एंड इफेक्ट से एक क्वेश्चन आ गया, अजम्पशन से आ गया, आर्ग्यूमेंट से आ गया, कोई फिक्स नहीं है, किसी से भी आ सकता है। हम ये पढ़ेंगे बिल्कुल, और मैं आप लोगों को इसका भी सब कुछ सिखा दूंगी। अगर आता एग्जाम में तो बनाते हुए चले, नहीं आता तो नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के ये क्वेश्चन गलत ही होते हैं, इसलिए इसको स्किप करना। और पढ़ाऊँगी ज़रूर, पढ़ना अगर समझ आए, अगर बनाना बना सके तो हम ज़रूर बनाते हुए चलेंगे एग्ज़ाम में। पर ये क्या, इस चैप्टर को क्या, मैं तो ये कहूँगी कि एग्ज़ाम में किसी भी एक टॉपिक को लेके बंद ना जाए, उसी टॉपिक में आप रुक ना जाए, एग्ज़ाम में बिल्कुल बनाते हुए चले। आ रहा है तो बनाओ, नहीं आ रहा तो छोड़ चलो, दो क्वेश्चन छोड़ने से भी अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम ज़रूर लेंगे। बट उन दो क्वेश्चन के पीछे पढ़ रहने से अगर हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, बाकी क्वेश्चन रह जा रहे हैं, तो वो कभी मत करना। अगला पढ़ेंगे हम डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो आजकल बिल्कुल गायब ही होता जा रहा है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, बट फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाते हैं इस पर। पहला जो क्वेश्चंस होता है हमारा, ये ऐसा होता था कि पहले बहुत पूछा जाता था, बट आजकल ये नहीं पूछा जाता है, एग्ज़ाम में बिल्कुल ही देखने को नहीं होता, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, क्या पता अगली बार पूछ लिया जाए। तो एटलीस्ट ऐसा तो ना हो कि हमने पढ़ा नहीं है, तो हम पूछे जाएंगे, पढ़ेंगे से 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, अगर आता है तो। वैसे आता नहीं है आजकल ये, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, हमें आना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ रहता है। तो चैप्टर्स इतने ही हैं, अब मैं अगला वीडियो जो बनाऊँगी वो सबसे पहला चैप्टर हमारा कोडिंग और डिकोडिंग को लेकर बताऊँगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे,
कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से होते हैं, बट मैं ये हमेशा पार्ट में बनाया करूँगी वीडियो कि फर्स्ट पार्ट में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में, ऐसा पढ़ेंगे ताकि एक एक कोडिंग डिकोडिंग हमारा सॉल्व होता जाए। और ये बिल्कुल एक बिगनर के लिए है कि एक कोचिंग क्लास में जाके बच्चा जो सीखता है वो घर बैठे यूट्यूब पे सीख सकता है। मेरा एम सिर्फ यही है बताने का कि आप लोगों को पैसे खर्च करना ना पड़े, बिल्कुल एक कोचिंग क्लास जैसा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।